If P A square comma A lies in the region corresponding to acute angle between lines 2y is equal to x and 4y is equal to x, find range of A, yani A ki possible values kya hongi wo batao. Chalo karo. First question of the day. करो सब लोग, एवरीवन डू दिस. और जैसे ही आंसर आ जाए बताओ मुझको, ठीक है? If P A square comma A lies in the region corresponding to acute angle between lines 2y is equal to x and 4y is equal to x, find range of A. आंसर आ जाए तो बताओ, बहुत ही मतलब आंसर बताओ. हाँ मिताश, गुड. बाकी लोग शे करेक्ट, नील करेक्ट, anyone else? ठीक है, बताऊं? बताऊं मैं? अगेन मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन के एडवांस के क्वेश्चंस नहीं आते हैं. जो एडवांस के क्वेश्चन एक्चुअली शुरू होते हैं जब वो सर्कल्स हो जाता है, फिर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इनके मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं. इसी वजह से थोड़ा सा जो अब सर्कल होने के बाद आपके जो एडवांस का सेशन होगा वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू दिस वन. आंसर है 2 से 4. यस आविष्कार, आंसर है 2 से 4. जैसे बेसिकली जो दो लाइन दी, एक लाइन है y इज इक्वल टू x बाय 2 और एक है लाइन y इज इक्वल टू x बाय 4. ये वो दोनों ओरिजिन से पास करती हुई लाइन है ना. नीचे वाली लाइन कौन सी होगी, x बाई 2 वाली होगी कि x बाई 4 वाली होगी? x बाई 4 होगी क्योंकि उसका स्लोप कम है. इसका स्लोप 1/4 है, उसका स्लोप हाफ है. तो जितना ज्यादा स्लोप उतना ऊपर, जितना कम स्लोप उतना नीचे. ठीक है, अब पूछा गया है इफ p a स्क्वायर कॉमा लाइज इन द रीजन करस्पॉन्डिंग टू एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन. खुद ही तुमको समझ में आ जाता है, मतलब मुझको समझ में आ जा रहा है कि मेरा पॉइंट इस रीजन में लाई करना चाहिए. दिस इज माय एक्यूट एंगल, राइट? क्योंकि अगर ये पॉइंट दो एंगल, एक ये एंगल बना रहा है और एक ये एंगल बना रहा है, ऑब्वियसली इधर और इधर भी बना रहा होगा, तो एक्यूट एंगल इधर एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में होंगे. बट पॉइंट पी के बारे में नोटिस करो, पॉइंट पी है क्या?
ए स्क्वायर कॉमा ए, व्हाट डू यू मीन बाय ए स्क्वायर? ए स्क्वायर मतलब पॉजिटिव एक्स, यानी पॉइंट जो लाई करेगा वो ए स्क्वायर कॉमा ए यही लाई करेगा ना। थर्ड क्वाड्रेंट में ए स्क्वायर लाई कर सकता है क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में ए स्क्वायर लाई कर सकता है? नहीं। मेरा ये कहना है कि ए स्क्वायर कॉमा ए इस ए स्क्वायर कॉमा ए उस पॉइंट का स्लोप, अगर मैं उसको डॉट 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 ऐसे बोलूं, ये वाली जो लाइन होनी चाहिए, ये वो ब्लेड की तरह है ना, यहां दो ब्लेड है ये उन्हीं दोनों के बीच वेरी करना चाहिए ना किसी भी पॉइंट के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे एक लोअर वाली लाइन हो गई, एक अपर वाली लाइन हो गई, एक लोअर वाली लाइन होगी अपर वाली, उन्हें के बीच लाई कर रहा है। अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो लोअर लाइन अपर लाइन, ठीक है, यानी कि इस डॉटेड लाइन का स्लोप हमेशा किसके किसके बीच होना चाहिए? 1/4 से 1/2। डॉटेड लाइन का स्लोप क्या है? स्लोप फॉर्मूले से a माइनस जीरो अपॉन ए स्क्वायर माइनस जीरो, ये हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए और किससे छोटा होना चाहिए? 1/4 से बड़ा होना चाहिए एंड 1/2 से छोटा होना चाहिए। बस मेरा क्वेश्चन हो गया। तो आई कैन क्लियरली से कि 1/4 a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझको a इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 4। ठीक है, मतलब पहले इधर को सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सॉरी 1/a, a वो मैंने गलत लिख दिया, a लेस देन 4 एंड a ग्रेटर देन 2। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? तो सीधे सीधे मैंने फिगर के थ्रू ऑब्जर्व कर लिया और उसके बाद आंसर निकालने की कोशिश कर दी। ठीक है, नेक्स्ट करें। ठीक है, सो दिस इज माय कंप्लीट क्वेश्चन। हाँ, कुछ लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू लाइन भी किया होगा, उनसे भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरा आंसर है 2 से 3, ए बिलोंग्स टू 2 से 3, इस तरह से आंसर लिखा होगा, ए बिलोंग्स टू 2, 3। ठीक है, सॉरी 2, 3 बोल दिया, 2, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर इन ए पी, फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ family of lines, find point of concurrency of family of lines ax plus by plus c is equal to 0। question main pura phir se pad de raha hu, theek hai। if a b c are in ap, find point of concurrency of family of lines ax plus by plus c is equal to 0। Everyone, do this. मुझको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बताना है तुमको इस फैमिली ऑफ लाइंस का। ठीक है, एंड वी विल कम टू नेक्स्ट पार्ट। हाँ मिताश, करेक्ट है। उसके नीचे मैं एक और क्वेश्चन दे दे रहा हूं, जिसका ये हो जाए पॉइंट बता दे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना फोकस करें।
स्ट्रेट लाइन इज सच दैट एलजेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फुट साची आंसर है 1, -2 सच दैट एलजेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम And fixed points is 0. Prove that line always passes through a fixed point. ठीक है ये दो क्वेश्चन दिए हैं जिसका पहले का आंसर 1, -2 आ जाए वो दूसरा करे ठीक है 2-3 मिनट दिया है तुम लोगों को करो उसके बाद मैं बताऊंगा ठीक है एवरीवन ओके दूसरा क्वेश्चन भी लिख लो सब लोग दूसरा क्वेश्चन लिख लो जिनसे भी पहला भी नहीं हुआ है वो भी दूसरा क्वेश्चन लिख ले और पहला होने के बाद दूसरा क्वेश्चन करें पहले का आंसर है 1, -2 पहले का आंसर है 1, -2 ठीक है होपफुली सबने पहला क्वेश्चन तो ट्राई कर लिया होगा और दूसरा क्वेश्चन लिख लिया होगा ठीक है अब मैं पहले क्वेश्चन का आंसर बताता हूं ए बी सी आर इन एपी तीन नंबर अगर एपी में होते हैं तो 2B = A+C होता है ना ये सबको याद है B = A+C/2 एवरेज ठीक है तो मेरा AX + BY + C जानते हो क्या बन गया AX + B की जगह मैंने A+C/2 कर दिया ठीक है ओपन कर दिया AX + AY/2 + CY/2 + C = 0 मैंने a कॉमन ले लिया X + Y/2 C = Y/2 + 1 = 0 क्या तुमको ये फैमिली ऑफ लाइंस बन गई AL1 + CL2 मैंने बताया था कि फैमिली ऑफ लाइंस इसी फॉर्म की होती है L1 + λ L2 या फिर दोनों साइड वेरिएबल मल्टीप्लाई हो सकता है तो इसका क्या मतलब हुआ मेरी एक लाइन है X + Y/2 = 0 और दूसरी लाइन है Y/2 + 1 = 0 तो उससे मुझे क्या मिला दूसरी वाली लाइन से y की वैल्यू शायद -2 मिली और जैसे ही फर्स्ट में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 1 मिली आई कैन ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली सॉल्व इट तो मेरा पॉइंट कम्स आउट टू बी 1, -2 एवरीवन एम आई करेक्ट इतना लिखो इतना करो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा नेक्स्ट
नहीं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का, अभी एक क्वेश्चन तो बचा है ना, वो क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा। ठीक है ठीक है, ये करने के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा ऊपर वाला करने के बाद, और उसके बाद मैं फिर सर्कल पे आ जाऊंगा। जिसका सेकंड क्वेश्चन हो गया है मुझको मैसेज करे, लिख दे डन। जिसका सेकंड क्वेश्चन हो गया है मुझको लिख दे डन। अभी भी बहुत लोग अपना रोल नंबर नहीं लिखते, प्लीज अपना रोल नंबर लिखा करो, नहीं तो आगे तुम्हारी अटेंडेंस में प्रॉब्लम होगी। अनुज जाधव बेटा क्यों हैंड रेज्ड है तुम्हारा? अनुज जाधव मैंने बहुत बार तुमको बोला है ना बेटा कि हैंड रेज मत किया करो। हाँ बेटा रोल नंबर दिख रहा है, अब ये पूछने के लिए तुम हैंड रेज करेगा? खुद ही चेक कर लो ना, बड़े हो गए हो तुम लोग, मैं सबका देख के थोड़ी बताऊंगा। अपनी सेटिंग्स में तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा नाम है कि नहीं है। ऑब्वियसली अगर तुम्हारा है तो खुद खुद दिख जाता है सबको अपना, सब लोग जैसे देखेंगे सेटिंग्स में सबको अपना नाम दिख जाता है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन किसका किसका हुआ? जिसका जिसका हो गया मैसेज मी डन। ओके मितांश, वेदांत, मनल, मनल डन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अ स्ट्रेट लाइन इज सच दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एन फिक्स पॉइंट इज जीरो। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन इज सच दैट, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे टोटल? तो उसने बोला है कि इस उससे व्हाट डू यू मीन बाय एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब देखो, जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाते निकालते तो हमेशा हम मॉड लगाते थे, लेकिन एल्जेब्रिक सम अगर पूछा गया तो मॉड नहीं लगाएंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो मैं इसको पॉजिटिव ही रखूंगा, अगर वो निगेटिव है तो मैं इसको निगेटिव ही रखूंगा। तभी तो उनका ठीक है। तो लेट दिस लाइन बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसको मैंने एक्स वन कॉमा वाई वन मान लिया, इसको मैंने एक्स टू कॉमा वाई टू मान लिया, ये क्या होगा एक्स एन कॉमा वाई एन। तो एक्स वन कॉमा वाई वन से एल्जेब्रिक सम क्या हुआ? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरे से क्या हुआ? ए एक्स टू प्लस बी वाई टू, हाँ वन टू से लेके एक्चुअली एन नहीं, एक्स ए वाई ए, एक्स बी वाई बी, एक्स एन वाई एन, इस तरह से। ठीक है, ठीक है,
ऐसा सब कुछ का सम इज इक्वल टू जीरो, क्या सबके डिनोमिनेटर सेम होंगे? ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम ना, तो मैं डिनोमिनेटर को कॉमन लेके उड़ा सकता हूं, तो क्या ये a के साथ अगर मैंने लिया तो एक्स ए प्लस एक्स बी अप टू एक्स एन, बी के साथ लिया वाई ए प्लस वाई बी प्लस डॉट 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 वाई एन, सी सी के साथ क्या बनेगा? C would be NC, क्योंकि N times C repeat हो रहा है. ठीक है, मैंने पूरे क्वेश्चन को N से डिवाइड कर दिया. A, एक्स ए प्लस एक्स बी डिवाइडेड बाई N, वाई ए प्लस वाई बी डिवाइडेड बाई N, क्या तुमको नोटिस हो रहा है अगर मैं ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी से कंपेयर करूं तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू यही है ना जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है ऊपर, और ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, आई रिपीट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को ये सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा? अल्फा बीटा. क्या मेरा अल्फा बीटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को सेटिस्फाई कर रहा है? तो क्या ये जो अल्फा बीटा है दैट इज द फिक्स पॉइंट जो हमेशा उस लाइन के ऊपर लाई करेगा? यस, लाई करेगा. तभी तो कोई भी पॉइंट अगर सेटिस्फाई करता है लाइन को तो वो उस लाइन के ऊपर लाई करता है. तो कैन आई से अल्फा बीटा लाइज ऑन द लाइन? यस, वेयर अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा बीटा द पॉइंट इज एक्स ए प्लस एक्स बी, बेसिकली एवरेज ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ एक्स कॉमा एवरेज ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ वाई. एग्री? सही लिखा है मैंने? इज दिस द एवरेज ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ एक्स एंड एवरेज ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ y. ठीक है, जब भी कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई करता है किसी भी लाइन को तो वो उस लाइन पे लाई करता है. मेरा कहना था कि ax एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्या इसको अल्फा बीटा सेटिस्फाई कर रहा है? यस, इसको अल्फा बीटा सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, अगर इसको अल्फा बीटा सेटिस्फाई कर रहा है तो ये लाइन हमेशा अल्फा बीटा से पास करेगी, और वो अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा इज माय डैट वैल्यू. ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे. क्लियर? सब लोग क्लियर हो गए? इज एवरीवन क्लियर? बॉटल गिर गया, मतलब बॉटल का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ श्रेय घर पे हूं मैं, घर पे। इफ ए कॉमा बी आर इंटरसेप्ट्स मेड बाय अ लाइन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस रेस्पेक्टिवली एंड कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी आर द इंटरसेप्ट मेड बाय द सेम लाइन ऑन न्यू एक्सिस ऑब्टेन बाय रोटेटिंग द ओल्ड एक्सिस, प्रूव दैट वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय कैपिटल ए स्क्वायर प्लस वन बाय कैपिटल बी स्क्वायर। ठीक है, 5 मिनट है, दिमाग लगाओ सब लोग, एवरी वन। 5:30 हुआ है, मैं 5:35 पे बताऊंगा। ठीक है, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, प्रूफ करना है तुमको कि ऐसा होगा। बेसिकली पुरानी एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो बन रहे थे वो ए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बन रहे थे, एक्सिस रोटेट कर दी है तो नए इंटरसेप्ट बन रहे हैं कैपिटल ए कैपिटल बी। लाइन तो सेम है, वही जो पुरानी लाइन है, लाइन थोड़ी रोटेट हो रही है, रोटेशन किसका हो रहा है, एक्सिस का। ठीक है, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ऑब्वियसली प्रूफ जो करना है वो लिखा हुआ है। ठीक है, 5 मिनट्स, 5:31 हो रहा है, मैं 5:35 पे बताऊंगा, करो। हुआ किसका किसका हुआ? ओके मितांश, बाकी लोग, एनीवन एल्स, क्या किया मितांश, टेल मी व्हाट डिड यू डू मितांश? नहीं अद्वैत, बताओ
नहीं शेर, नहीं मितांश, मतलब ठीक है, काफी लोग ठीठा ठीठा ला रहे हैं। इसका मैं सबसे सिंपल और फास्टेस्ट वे बताता हूँ, ठीक है। काफी लोग ये बोल रहे होंगे सर एक्सिस को थीटा से रोटेट कर दूंगा, फिर आगे सॉल्व करके थीटा एलिमिनेट कर दूंगा। मैं अपने क्वेश्चन में थीटा लाता ही नहीं हूं। चलो लेट मी टेल यू हाउ। ये लाइन थी, ये पुरानी एक्सिस थी, ये ए कॉमा जीरो है, ये जीरो कॉमा बी है। तो इक्वेशन क्या होगी इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सिस? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। यस, ठीक है। अब ये एक्सिस रोटेट कर गई, मैंने बिल्कुल हल्का सा रोटेशन दिया, तुम चाहे जितना रोटेशन कर दो, क्या लाइन में कुछ चेंज हुआ है? लाइन सेम ही है ना, लाइन जो पहले थी वही लाइन अभी भी है ना, बिल्कुल सेम लाइन है। अब बस ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा जीरो और जीरो कॉमा बी, ठीक है। अब मुझे बताओ नई इक्वेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस? एवरीवन क्लियर? पहले इक्वेशन थी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन, न्यू इक्वेशन है एक्स बाई कैपिटल ए प्लस वाई बाई कैपिटल बी इज इक्वल टू वन। मुझको बताओ कौन सी दो चीज चेंज नहीं हुई है रोटेशन ऑफ एक्सिस की वजह से? एक्सिस रोटेट हुआ है तो कौन सी दो चीज चेंज नहीं हुई है? एक तो ओरिजिन नहीं चेंज हुआ है, एक तो ओरिजिन नहीं चेंज हुआ है, और दूसरा लाइन नहीं चेंज हुई है। लाइन भी अपनी जगह है, चेंज हो गई ना, पॉइंट्स चेंज हो गए हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेट हो गई है, सिर्फ और सिर्फ लाइन एंड ओरिजिन सेम है। तो तुमको यह समझ में आता है कि ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों केस में सेम होगी, ओरिजिन से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों केस में सेम होगी। अगर इसको देखोगे तो ये बनेगा वन अपॉन रूट ऑफ वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर का मॉड, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, माइनस वन लिख लो तो और क्लियर होगा। दिस शुड बी इक्वल टू, यहां पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन अ लाइन का फॉर्मूला मेरा डन हो गया। द मोमेंट आई राइट दिस आई एम डन। क्लियर? तो दिस इज द फास्टेस्ट मेथड टू डू दिस जो मैंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट करूं, क्यों इक्वल रहेगा? क्योंकि ओरिजिन से लाइन की डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना, ओरिजिन चेंज हो रहा है ना लाइन चेंज हो रही है, ठीक है। हाँ, इस डिस्टेंस को अगर मैं नॉर्मल परपेंडिकुलर फॉर्म में देखता तो ये यही तो पी होता था ना, वो जिसमें कॉस थीटा साइन थीटा वाला फॉर्म आता था उसमें, उसको पी बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
ओमकार इसमें आगे सॉल्व करने के लिए क्या है, स्क्वायर करोगे प्रूव हो जाएगा ना। ठीक है, PQR is an inscribed triangle in x square plus y square is equal to 25. If Q is 3,4, R is minus 4,3, find angle QPR. मुझे एंगल क्यू पी आर निकालना है। एवरीवन डू दिस। इसके बाद सर्कल का एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आई थिंक आज के लिए हम डन हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीक में हम सर्कल के एक्चुअल सर्कल का एडवांस करेंगे। ठीक है, पी क्यू आर इज एन इंस्क्राइब ट्राइंगल इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। If Q is this, R is this, find angle QPR. Why Parth? कुछ दिया थोड़ी ऐसा। अनुज यादव बेटा, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू सिट इन एडवांस लेक्चर बेटा। डिफिकल्ट पार्ट, प्लीज स्पेंड टाइम सेपरेटली। एवरीवन, आई रिपीट अगेन कि एडवांस लेक्चर ऑप्शनल होते हैं, दीज आर नॉट कंपल्सरी लेक्चर। ऑब्वियसली अगर आप आईआईटी का टारगेट कर रहे हैं, आईआईटीज एनआईटीज का, तभी आप बैठे, अदरवाइज ना बैठे मतलब, या अगर बैठे तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है देन इट इज ओके, इट इज लाइक दैट। ठीक है, मितांश पूरा करेक्ट आंसर एक एक ही बार में दो मुझको, गिव मी द करेक्ट आंसर इन वन गो। बहुत लोग वो मिस्टेक करते हैं जो तुम दोनों ने की है। साची सेम थिंग जो मैंने इन लोगों को बोला। ओके, बताता हूं। एक सर्कल है, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। उसमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, 3,4 एंड माइनस 4,3, 3,4 एंड माइनस 4,3। देयर इज अ पॉइंट पी, पॉइंट पी कहीं पे भी लाइक कर सकता है, इंस्क्राइब है ना, तो पी यहां पे भी लाइक कर सकता था, पी यहां पे भी लाइक कर सकता था, यहां पे भी, कहीं पे भी लाइक कर सकता है। तो तुमको ये समझ में आता है मेरा क्यू आर एक कोड है, एक कॉर्ड है, तो एक डेफिनेशन होती थी,
जो कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाता है, अगर मैं इसके सेंटर पे एंगल बनाने को जाऊं तो इसको अगर मैं ओ मान लूं, तो ओ क्यू का स्लोप 4/3 दिख रहा है और इसका स्लोप 3/4 दिख रहा है। तो तुमको ये समझ में आ रहा है, ये 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है सेंटर पे, तो सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाएगी? एंगल पी वुड बी 45 डिग्री। ठीक है, एंगल पी वुड बी 45 डिग्री। दो तीन लोगों ने मुझको आंसर दिया था 45 डिग्री। उनको मैंने यही बोला था कि पूरा का पूरा आंसर एक गो में सही होना चाहिए। तो इवन दो 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, दिस इज हाफ द आंसर। व्हाई? दिस इज जस्ट हाफ द आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज, ये पॉइंट पी इधर भी तो लाई कर सकता है ना। तो अगर उधर लाई किया तो ये 135 हो सकता है। जरूरी थोड़ी हो कि वो मेजर आर्क में ही हो, इट कैन बी ऑन माइनर आर्क एज वेल, इट कैन बी ऑन माइनर आर्क एज वेल। मेजर आर्क में होता है तो हाफ होता है सेंटर का, माइनर आर्क में होता है तो जो मेजर आर्क में होता है और माइनर आर्क का सम 180 होता है। मेजर आर्क और माइनर आर्क का सम 180 होता है। अर्नफ स्लोप का फॉर्मूला, डोंट आस्क मी। ओ ओ इज ओरिजिन, ओ इज सेंटर, ओ इज ओरिजिन, स्लोप 3/4 है बेटा, स्लोप निकालना आना चाहिए। 4/3 एंड -3/4 आर द स्लोप्स ऑफ ओ क्यू एंड ओ आर। ओके, ओरिजिन कैसे है? ओ सेंटर है, ओ सेंटर, सेंटर इस सर्कल का ओरिजिन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब ऑफ एडवांस लेक्चर, प्रूविंग का है। इफ लाइन ज्वाइनिंग होमकार, वो एंगल पी लिखा है बेटा। इफ लाइन ज्वाइनिंग X1 Y1 X2 Y2 मेक्स ऑब्ट्यूस एंगल एट X3, Y3, प्रूव दैट X3 - X1, X3 - X2 +Y3 - Y1, Y3 - Y2 <0। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको प्रूव करो। इफ द लाइन ज्वाइनिंग X1 Y1 X2 Y2 मेक्स ऑब्ट्यूस एंगल एट द थर्ड पॉइंट, हमें प्रूफ करना है कि ये चीज <0 आएगी। यहां पे मैंने प्रूफ करने को बोला है, एग्जाम में पूछा जा सकता है तुमको, इट इज लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या ग्रेटर देन जीरो, या नॉट पॉसिबल, या कैन नॉट फाइंड आउट, या ऐसा कुछ भी। ऑप्शंस एग्जाम में तुम्हें इसके ऑप्शंस दिए गए जाएंगे। ठीक है, प्रूफ करो, जैसे प्रूफ हो जाए डन लिख बताओ। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ एडवांस लेक्चर्स के बाद ब्रेक, ब्रेक मतलब वही
6:30 को आप लोगों का सर्कल का नॉर्मल लेक्चर है। आज सर्कल हम खत्म कर देंगे होपफुली। ओके नील, कैसे लिखा, मतलब कैसे आया? हाँ नील, करेक्ट है। नहीं, मस्ट बी अ कॉर्ड, वो सेंटेंस गलत है तुम्हारा। यस अद्वैत। अनु जाधव कैसे किया, मितांश कैसे किया? सिद्धांत बताओ। लेट मी फाइंड आउट अ लाइन जिसके एंड पॉइंट्स हैं x1 y1। तो मुझको बताओ, इन दोनों को डायमीटर मानते हुए अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? इन दोनों को अगर मैं डायमीटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ करूं, करेक्ट? ठीक है। अब डायमीटर सर्कल पे कितना एंगल बनाता है? डायमीटर सर्कल पे कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। नाउ क्वेश्चन में दे रखा है इट इज अ ऑब्ट्यूस एंगल, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसका मतलब वो जो मेरा x3 y3 वाला पॉइंट है दैट शुड लाई इनसाइड द सर्कल, तभी उसका एंगल ग्रेटर देन 90 होगा। सर्कल पे 90 होता है, सर्कल के बाहर लेस देन 90 होगा, सर्कल के अंदर ग्रेटर देन 90 होगा। इसका मतलब मेरा पॉइंट x3 y3 लाइज इनसाइड सर्कल। तो मुझको ये बताओ, अगर कोई पॉइंट किसी सर्कल के अंदर लाई करता है तो क्या कंडीशन चेक करना होता है? कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है तो क्या कंडीशन चेक करना होता है बताओ? हाँ अभिजीत करेक्ट, उन्नति करेक्ट, अद्वैत करेक्ट, यस। S1 मेरा लेस देन जीरो होना चाहिए, माई S1 हैज टू बी लेस देन जीरो। यानी अगर ये पॉइंट को मैं सर्कल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो दैट शुड बी लेस देन जीरो, x3 - x1 x3 - x2। Should be less than zero. This should be less than zero. Correct? Are we? सबको ये चीज समझ में आई? ठीक है। तो I guess यहां तक सारी चीजें सब लोगों को समझ में आई होगी। मोस्टली 6:30 के लेक्चर्स में मिलते हैं, 6:30 के लेक्चर में मिलते हैं, उसके बाद हम आज सर्कल खत्म कर देंगे। ठीक है।
चलो एवरीवन, यस बाय बाय, मिलते हैं 6:30, बाय बाय।